अरे ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गए, अब क्या करें। हाय एवरीवन, अभी मैं अपनी हिमाचल ट्रिप पे गया था, पहाड़ों पे गया था, तो खराब रास्ते बहुत थे, ब्रेकिंग बहुत ज्यादा यूज करी। मैं ये सवाल आया कि यार पहाड़ों पे अगर ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे, क्या किया जाए। ऑल दो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है कि ब्रेक फेल नहीं होते हैं। उस वीडियो को अगर देखना तो उसका लिंक ऊपर है, जाकर देख लेना। लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। उनमें से सबसे पहला है अगर गाड़ी कंडीशन पुरानी है या फिर ब्रेक लाइंस लीक हो गई है, ऑयल लीक कर गया है, उस वजह से ब्रेक काम नहीं करेंगे। खाली मैकेनिकल चीज़ों के ऊपर नहीं रुकती है, उसमें ऑयल होता है और ये जो मास्टर सिलेंडर, इनके बदौलत गाड़ी रुकती है। ये पंप होता है उसमें, ठीक है, बूस्टर होते हैं, उनकी वजह से गाड़ी रुकती है। तो अगर ऑयल लीक कर गया है तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो सकते हैं। कोई ब्रेक लाइन टूट गई है जिसके थ्रू ऑयल जाता है पहिए में, चार ब्रेक लाइन होती हैं, चारों पहियों में अलग अलग जाती हैं, तो अगर उनमें से कोई एक टूट गई है तो वहां से पूरा प्रेशर लीक कर जाएगा। और ये नहीं है कि बाकी पहियों के ब्रेक काम करेंगे, एक के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उससे सारा ऑयल निकल जाएगा, प्रेशर लीक कर जाएगा, तो फिर चारों भी नहीं लगेंगे। एक ये केस है। और दूसरा है कि अगर पहाड़ों में चला, पहाड़ों में होते हैं, ढलान है, मान लो नीचे उतर रहे हो और आप ब्रेक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, इंजन ब्रेकिंग का नहीं पता कैसे यूज करना है और ब्रेक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, उस वजह से हीट हो जाता है डिस्क ब्रेक या कोई भी ब्रेक अगर आप यूज कर रहे हो। और हीट होने के बाद अगर उसका टेम्परेचर, मान लो जो भी उसके लिमिट है, उसको अगर पार कर गया तो ब्रेक फिर इनएफिशियंट होते हैं, वो काम नहीं करेंगे। आपका कोई ऑयल लीक नहीं होगा लेकिन ब्रेक भी काम नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या करना होता है मैं बता दूं। अगर चढ़ते वक्त, देखो चांसेस बहुत ही रेयर है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल होंगे, चढ़ते वक्त नहीं होते क्योंकि आप ब्रेक ज्यादा यूज नहीं करते हो, एक्सेलेटर ज्यादा यूज करते हो। तो चढ़ते वक्त अगर हो जाए तो हैंड ब्रेक का यूज कर लो, गाड़ी तुरंत रुक जाएगी, ठीक है। ये मैंने ज्यादा नहीं खींचा वरना गाड़ी स्किड भी कर सकती, मतलब अगर मैं पहिए लॉक करवाना चाहूँ तो हो जाएंगे। हैंड ब्रेक का मैंने इसलिए बोला क्योंकि पेडल ब्रेक में चारों पहियों में ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक में सिर्फ पीछे वाले। तो हैंड ब्रेक पूरा वायर वाला मैकेनिज्म है, इसमें ऑयल्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक सिलेंडर है वो जरूर है पहिए में और उसका वो लीक नहीं होता है, तो हैंड ब्रेक सेफ होता है यूज करना। तो अगर खींच दोगे, मैं अगर झटके से मार के दिखाऊं, ठीक है, वो तो घिसे हुए टायर थे तो गाड़ी मेरी थोड़ी स्किड कर गई थी, अब नहीं कर रही है। तो हैंड ब्रेक ऐसा खतरनाक कभी नहीं होता कि गाड़ी स्किड कर जाए, तो ये आपकी गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए एकदम सही है, ये गाड़ी को स्लो डाउन कर देगा। और एक्सीलेटर छोड़ देना, कभी रेस भी दिए रखे हो और हैंड ब्रेक भी खींचो तो फिर रुकने का क्या फायदा, ठीक है। एक ये तरीका है। वो जो गियर डाउन करने वाली टेक्टिक्स होती हैं कि एक एक गियर डाउन करते जाओ, हैंड ब्रेक खींचते जाओ, वो पहाड़ों में इतना मौका नहीं मिलता है और वो मिलेगा नहीं सीधे रास्तों में भी, तो वो तो भूल ही जाओ कि वो आपको काम करके देगा, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम चढ़ गए, अब मैं बताऊंगा उतरने के बाद कैसा करना है, ठीक है। इस साइड गाड़ी ले लेते हैं, चलो थोड़ी सी ढलान है, ये है कि एक प्रॉपर ढलान। अभी तक जो लोग मेरे हिमाचल और उत्तराखंड वाले देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे ये क्या पहाड़ है, पहाड़ों देखने तो हमारी तरफ आओ। भाई मैं आ चुका हूँ उस तरफ भी बहुत, ठीक है। अब क्या करना होता है ऐसी जगह पे, इंजन ब्रेकिंग, मैंने कोई ब्रेक नहीं दबा रखे हैं, ठीक है, अपने आप इंजन ब्रेकिंग लगा रखी है गाड़ी ने। अब हल्का सा ब्रेक लेके छोड़ दो, अब चलो वो मैंने ये सिखा रहा हूँ कि कैसे गाड़ी चलानी है ऐसे रास्तों पे, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं बता रहा हूँ ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे क्या करना है। उसमें सबसे पहले हैंड ब्रेक ले लो, ठीक है। और चलो वो तो एक दूसरी चीज़ है ना, वो मैं दूसरी तरफ बताता हूँ, चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, उधर थोड़ा करके बता दूंगा कि ऐसा रास्ता कभी नहीं होगा कि दोनों तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ जरूर मिलता है आपके पहाड़ों में, तो पहाड़ की तरफ जो भी पत्थर है दीवार है उसकी तरफ गाड़ी पूरी घुसा दो, गाड़ी स्क्रैच मारेगी, रुकेगी और लाइटें टूटेंगी लेकिन गाड़ी रुक जाएगी, आप सलामत रहोगे। तो ये एक चीज है वहां पे, बंद है ना, हाँ, तो गाड़ी एटलीस्ट रुक जाएगी, आप फेल होके गाड़ी गिरेगी नहीं खाई में, तो वो एक चीज है, ठीक है। अब मैं वापस ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं थी, रुक गई थी। चढ़ते वक्त का फिर बता देता हूँ, चढ़ते वक्त तो वही एक्सेलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, कि ये तरीका है। दूसरा हैंड ब्रेक ले लो, रुक जाएगी। और पहाड़ों में वैसे भी कोई तेज नहीं चलाता, स्पीड नहीं करते हम ज्यादा, तो 30-40 रेस्ट डिपेंड्स। अगर मान लो भाई देहरादून की तरफ चलेगी तो वहां के पहाड़ अच्छे हैं, वहां पे स्पीड 60-70 भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो अलग तरीके के रोड है, उनमें बस एक्सेलेटर छोड़ दो, गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, चढ़ाई में गाड़ी वैसे भी अपने आप नहीं चढ़ती है। ढलान में दिक्कत है, वो मैं अब बता देता हूँ। थोड़ा सा बाहर से शॉर्ट से ले लेंगे, मैं बता दूंगा।
देखो अब ढलान है, और जैसे मैंने बताया था कि एक पहाड़ों में हमेशा ऐसे रहता है कि एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है, या फिर दोनों तरफ होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा दोनों तरफ खाई है, ब्रेयर हो वो अलग बात है। तो आपको बस क्या करना है कि मान लो ढलान पे हो गए, रॉन्ग साइड है यार, पहाड़ मेरी साइड नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, तो एक बार थोड़ा सीधा रास्ता आने दो फिर बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी साइड लेके गया और सामने से कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी रॉन्ग साइड में। सीधा इधर ही सारा, थोड़ा सा सीधा रास्ता मिले नहीं है यो, ठीक है ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हैंड ब्रेक खींचना, स्पीड अगर मान लो बहुत ही तेज है तो पत्थर जो भी इधर है उनमें अपनी गाड़ी पूरी घुसा दो, इधर आपके शीशे टूटेंगे, साइड में स्क्रैच आएंगे, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी रुक जाएगी। मैं तो नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे की फेल नहीं है, तो ये बस यही तरीका है। और मैं ज्यादा बातें नहीं खींचूंगा, कुछ और चीजें नई नहीं बताने वाला हूँ, यही करना है। अगर ब्रेक फेल हो गया, हैंड ब्रेक खींचो एंड साइड में घुसा दो, ठीक है ऐसे। आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक खींचना और गाड़ी पूरी, अब जिस तरफ पहाड़ है, फिर चाहे रॉन्ग साइड हो, अगर फेल हो ही गए तो इधर पूरी घुसा देना, ठीक है ये ऐसे करके। मैं तो वापस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे घुसानी नहीं है, तो पूरी घुसा देना, गाड़ी स्क्रैच जरूर मारेगी लेकिन रुक जाएगी। देखो फिजिकली कोई भी एक्शन लेने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ज्यादा टेंशन मत लेना। टेंशन मैं मानता हूँ कहने से क्या होता है, हो ही जाती है। अगर मान लो ब्रेक फेल हो गए, अरे ब्रेक फेल हो गए अब क्या करें, हाथ पांव फूल जाते हैं, और काफी लोग ब्रेक नहीं दबा पाते, स्टेयरिंग से भी हाथ छोड़ देंगे, फिर तो गाड़ी मान लो गई हाथ से, फिर तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि अपने होशो आवास में रहना और ज्यादा घबराना मत, पैनिक नहीं करना। पैनिक करोगे खुद भी जाओगे और साथ में जो और बैठे हैं वो भी जाएंगे, और साथ में अगर कोई सामने से गाड़ी आएगी उसे भी लेकर जाओगे, तो ये सब घबराना नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्शन लेना जो मैंने बताए हैं, या भाई जो भी आपका तरीका है कि जिस तरीके से ब्रेक लगाते हो, और हैंड ब्रेक का यूज कर लेना। हैंड ब्रेक कभी फेल नहीं होते गाड़ियों के, ये चीज है कि पेडल ब्रेक 1% 2% हो जाते हैं कि फेल हो गए, लेकिन हैंड ब्रेक कभी नहीं होते, तो ये एक चीज अच्छी है, इसीलिए हैंड ब्रेक को यूज करना होता है। और आपने देख लिया, मैंने एकदम एक्सट्रीम तक खींच कर देख लिया, झटके से खींचूंगा तो फिर तो स्किड कर जाएगी, ऐसे आराम से खींचो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लो डाउन करनी है ना, वो हो जाएगी आराम से। रुको मैं हैंड ब्रेक खींच के दिखा देता हूँ, ये कह रहा है कि टर्न पे अगर खींचेंगे तो स्किड करेगी, ठीक है। अगर झटके से एकदम ही ऊपर तक लेके जाओगे तो हो सकता है, तो टर्न पे भाई इतना झटका, मैं बताऊं, मैं तो चलो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है मुझे ये चीजें बतानी है, जब किसी के साथ असल में बीतेगी ना तो ये सब नहीं कर पाता, तो एकदम एक्सट्रीम तक किसी के हैंड ब्रेक नहीं खींचेगा। अगर खींच गया तो थोड़ी टर्न के ऊपर थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, धीरे धीरे करके जब पूरा खींच दो कुछ नहीं होता, झटके से खींचोगे तो ही टायर स्किड करेंगे, जैसे इसके लॉक हुए थे अभी, आवाज आई थी हल्की हल्की। अब बता देता हूँ, चलो अब थोड़ी ढला, वो ये जो एक्चुअल पहाड़ है हिमाचल उत्तराखंड वाले वो तो नहीं है, लेकिन हाँ वैसे ऐसा ही है यहाँ पे। तो ब्रेक्स फेल ना हो इसके लिए बस यही कर सकते हो, अपना जो ब्रेक ऑयल का लेवल है वो एक बार चेक कर लिया करो, कहीं भी निकलने से पहले ब्रेक पैड्स अपने देख लो, और ब्रेक्स का जितना हो सके कम यूज करो, अननेसेसरी मत करो। आप ब्रेक दबाए दबाए घाटी से उतार रहे हो, पहाड़ों से उतार रहे हो, वो चीज़ गलत है। इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो वहाँ पे, अगर नहीं पता है तो, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी डाल के छोड़ दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर मैं वीडियो, आप सोचोगे यार इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं था, 4-5 मिनट के अंदर खत्म हो गई, अब मैं फालतू के पॉइंट जोड़ूं, बातों को खींचूं तो कोई फायदा नहीं है, मैं 10 मिनट की आराम से कर दूंगा, मेरे पास लेवरेज ज़्यादा मिलेगी एड ज़्यादा लगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, बात नहीं खींचनी है। सो यही कर सकते हो, बार बार रिपीट, अब क्या ही करूं, हैंड ब्रेक खींच लो, साइड में घुसा दो, गाड़ी ठुकेगी रिपेयर करवा लेना, जान बच जाएगी, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही कुछ है इस वीडियो में, थैंक यू सो मच।